बाबर आजम सोशल मीडिया पर हुए ट्रोल। बाबर को नहीं आती जिम्बाब्वे की स्पेलिंग। हार के बाद क्यों वायरल हो रहा है 7 साल पुराना ट्वीट। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के बीच T20 वर्ल्ड कप 2022 का मुकाबला खेला गया। इस मुकाबले में पाकिस्तान की टीम को 1 रन से हार का सामना करना पड़ा। इस मुकाबले की चर्चा लगातार क्रिकेट गलियारों में अभी तक जारी है। दरअसल आपको ये बता दें कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम को काफ़ी मजबूत टीम T20 वर्ल्ड कप में माना जा रहा था, और ऐसे में जब जिम्बाब्वे जैसी कमज़ोर टीम के सामने टीम को हार का सामना करना पड़े तो चर्चा तो स्वाभाविक है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। आपको ये बता दें कि जिम्बाब्वे और पाकिस्तान के मुकाबले के बाद अब बाबर आजम लगातार ट्रोल हो रहे हैं, और इसका बड़ा कारण उनकी अंग्रेज़ी है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम हमेशा से ही अपनी इंग्लिश के लिए जानी जाती है। टीम के तमाम खिलाड़ी अपनी इंग्लिश की वजह से दुनिया में अपनी छाप छोड़ चुके हैं, और अब बाबर आजम भी इस लपेटे में आ चुके हैं और उनका एक 7 साल पुराना ट्वीट वायरल हो रहा है। यूज़र्स ने पाकिस्तान टीम के कप्तान का 7 साल पुराना ट्वीट ढूंढ निकाला और अब तेज़ी से वायरल है। बता दें कि इस ट्वीट में बाबर आजम ने ज़्यादा कुछ खास लिखा नहीं है, लेकिन इसके बाद भी वह लगातार ट्रोल हो रहे हैं। क्या कुछ ट्रोलिंग की वजह है उस पर नज़र डालें तो पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने 7 साल पहले एक ट्वीट किया था। उस ट्वीट में उन्होंने लिखा था वेलकम जिम्बाब्वे। बता दें कि वेलकम जिम्बाब्वे के दौरान उन्होंने जिम्बाब्वे की स्पेलिंग में एक बड़ी गलती कर दी, और इसी वजह से वे लगातार ट्रोल हो रहे हैं। दरअसल बाबर आजम ने जो जिम्बाब्वे की स्पेलिंग को लेकर ट्वीट किया उसमें आखिरी 3 शब्दों में फेरबदल कर दिया। दरअसल आखिरी 3 शब्द जो कि BWE होने चाहिए, बाबर आजम ने उन्हें WAY लिख दिया, और इसी के बाद वे लगातार ट्रोल हो रहे हैं। फैंस का कहना है कि आपका शुक्रिया पाकिस्तान, आप आइए ऑस्ट्रेलिया के एयरपोर्ट से सीधा उड़ान भरिए। इसके अलावा कुछ यूज़र्स ने लिखा कि घबराइए मत, यह समय भी गुजर जाएगा। वहीं कुछ यूज़र्स लगातार मीम शेयर कर रहे हैं, और साथ ही एक यूज़र ने लिखा कि ये जो आपने जिम्बाब्वे की स्पेलिंग गलत लिखी है उसी का बदला टीम ने लिया है। वहीं एक यूज़र ने लिखा वेलकम जिम्बाब्वे। बता दें कि T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की टीम अभी तक जीत का खाता नहीं खोल पाई है। 2021 वर्ल्ड कप में टीम ने सेमीफाइनल में जगह बनाई थी, लेकिन 2022 में उसकी शुरुआत काफ़ी ख़राब रही है। भारत ने पहले मुकाबले में 4 विकेट से हराया, और अब जिम्बाब्वे ने भी 1 रन से टीम को मात दे दी है। बहरहाल क्या कुछ होगा ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन बाबर आजम की ट्रोलिंग के पीछे जो बड़ा कारण है वो उनकी अंग्रेजी है, और उसको लेकर आपकी क्या कुछ राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और स्पोर्ट्स की तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ। नमस्कार।